गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप सब बढ़िया हैं, और अगर नहीं बढ़िया हो तो जल्दी से बढ़िया हो जाओ, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ आज सुबह सुबह वॉक करने के लिए। काफी ज्यादा बढ़िया मौसम है, एकदम सुपर। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए गाइस कितना बढ़िया मौसम आज, एकदम मस्त। आज मजा आ जाएगा वॉक करने के लिए। ये देखिए अपने भारत का तिरंगा कैसे झूल रहा है, वाह वाह। तो गाइज अभी मैं आया था वॉक करने के लिए, तो यहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे, तो पापा से मुझे थोड़ा सा काम था, तो दो मिनट के लिए मैं उनसे मिलने आया हूँ। अभी पीछे देख सकते हैं आप, सूरज कितना सही निकला, एकदम मस्त मौसम है। वैसे भी ये जो मंथ है ना नवंबर का, इस मंथ का जो मौसम होता है ना, ए क्लास मौसम होता है। मतलब सुबह इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती, थोड़ी थोड़ी ठंड होती है, और मज़ा आता है, मतलब ज़बरदस्त। सो गाइज अभी मैं वॉक करने आया था, तो मैं खेत में अपना चक्कर लगाने आ गया। ये देखिए यहाँ पे, कल मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे काम लगा हुआ है, तो मैंने सोचा वॉक करने जा ही रहा हूँ तो वहीं पे वॉक कर लेता हूँ, और एक चक्कर वहाँ पे भी लगा लेता हूँ, देख लेता हूँ कि कैसा हुआ सब, कैसा नहीं हुआ। तो देख सकते हैं आप पीछे, ये सेंटर वाला खेत हमारा है, बाकी लेफ्ट राइट ये हिमालय वालों के। तो अभी मैं जा रहा हूँ सिटी मूवी देखने के लिए, और साथ में करेंगे आज मोटो व्लॉगिंग फिर से। तो चलिए चलते हैं अपनी बुलेट लेके। मुझे लगता है कि कहीं मुझे मोटो व्लॉगिंग का चस्का ना पड़ जाए कि मैं गाड़ी फिर से चलाऊं नहीं। बेचारी कैसे देख रही है मेरी तरफ कि भाई मुझे ले जा। कोई नहीं, कल तुझे लेके जाऊंगा, ठीक है। अभी थोड़े दिन मोटो व्लॉगिंग करने का शौक चढ़ गया है। ओके गाइज चलते हैं। तो गाइस अभी मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने फ़ोन जो है वो अपना हेलमेट के आगे लगाया हुआ है, रिकॉर्डिंग चल रही है फ़ोन में, और मैं ना अपने जेब में हाथ डाल के चेक कर रहा हूँ कि भाई मेरा फ़ोन कहाँ चला गया। मतलब मेरे को ना एक्चुअली आदत है कि जब मैं स्कूटी या बाइक चलाता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ कि बार बार अपने फ़ोन को ऐसे चेक करते रहता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने ऐसी पैंट पहनी होती है जिसकी जेब छोटी होती है, तो उसकी वजह से ऐसे डर रहता है कि कहीं फ़ोन गिर तो नहीं गया। तो मेरे को वहम हो गया कि मेरा फ़ोन या तो घर पे रह गया है, और या कभी पीछे मैंने गिरा दिया। उसी टाइम दिमाग में आया कि यार ये तो आगे लगा हुआ है। आप कमेंट्स में बताइए मुझे कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका फ़ोन जो है वो आपके पास ही है, लेकिन आप उसको ढूँढ रहे हैं। घर में शोरा और शहर में ढिंढोरा। गाइस कंबल ले लो, जय बजरंगबली। फेस्टिवल सीज़न। बिन्नी भैया क्या कर रहे हैं? ये बिन्नी भैया नहीं, ये कोई अंकल है। दिखने में भी उसी की तरह लग रहे थे, और बैठे भी दुकान के आगे हुए हैं, तो मुझे लगा कि बिन्नी भैया हैं। गाइज ये देखिए, इसी तरह से एक्सीडेंट होते हैं। आपने अभी देखा कि रिकॉर्डिंग में आ गया, और ये अंकल पहले सेंटर में चल रहे थे, ठीक है, और जैसे ही मैं पास में पहुंचा तो एकदम से लेफ्ट की तरफ आने लगे। आज दूसरी बार मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूं। एक तो कल गया था टेस्टिंग करने के लिए, आज पहली बार सिटी जा रहा हूँ ऐसे मोटो व्लॉगिंग करते हुए। तो एक मेरे को बड़ी सही चीज़ पता क्या लग रही है इसमें, मतलब जो मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है, कि मतलब आपको कुछ भी दिखाना है ना, तो आपको फ़ोन को वहाँ पे हाथ में पकड़ के ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फ़ोन तो आपके हाथ में है ही नहीं है। आपको बस अपने फेस को उस साइड टर्न करना है। जैसे देखिए मेरे को अभी राइट का दिखाना, तो मैं राइट साइड से देखूँगा तो आपको राइट का सब कुछ दिख जाएगा। भैया सामान आया? अभी नहीं आया। ये देखो क्या हो गया, तभी तो मंगा रहा हूँ। हाँ ये प्रॉब्लम है, तो क्योंकि ये धूप में पड़ा पड़ा ना ऐसे घिस गया पूरा। पक्का हो जाएगा, बस बढ़िया, बिल्कुल ऑनलाइन चल रहा है। गाइस ये देखिए, ये मेरे भाई की दुकान है, अमित भाई की, मड पेट्रोल पंप के साथ में। आप यहाँ पे अपना बुलेट का किसी भी तरह का कोई भी काम करवा सकते हैं, सर्विस करवा सकते हैं, लाइट्स डलवाइए, टायर डलवाइए, कुछ भी सर्विस कराइए यहाँ पे। और ये हैं गाइस हमारे अमित भाई।
अभी जा रहा हूँ मूवी देखने, मूवी देखने जा रहा हूँ, देखते हैं जो लगी होगी देख लेंगे, चलना। ओके ओके। एक्चुअली गाइस क्या सीन है ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला पार्ट टंकी का, धूप में लगा लगा ये चीज़ घिस गई है। अब उसकी वजह से क्या समस्या आ रही है ये देखिए, मेरी पैंट यहाँ से गंदी हो गई है। तो जितनी बार मैं बुलेट चला रहा हूँ तो इतनी बार मेरी पैंट गंदी हो रही है। तो इसलिए मैंने अमित भाई को बोला कि ये टंकी के पैड्स ले आएँ ताकि मेरी पैंट जो है वो बार बार गंदी होने से बच जाए। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर रहते हो मड़ में आगे पीछे, तो अमित भाई से आप अपनी बुलेट का काम करवा सकते हो। कुछ भी आपको बुलेट से रिलेटेड काम है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये देखिए गाइस कैसे शॉर्ट में चल रहा है, अब इसका टाइम चल रहा है, हमारा भी चलता था किसी टाइम पे, हम भी ऐसे ही चलते थे। मच दी दुनिया मचानी अज होर, बखरा सटाल भी बखरी जिटोरनी। चलो चलो अभी मैंने हेलमेट का शीशा डाउन कर लिया, क्योंकि मेरे को ज़्यादा आदत नहीं है हेलमेट का शीशा डाउन करके चलाने की, क्योंकि मेरे को चाहिए कि हवा आती रहे फेस के ऊपर। लेकिन जब धूल आती है कच्ची जगह से गाड़ी निकलती आगे तो फिर डाउन करना ही पड़ता है। गाइस अभी सर्दियाँ आ रही हैं और आपको एक चीज़ बतानी थी कि सर्दियों में मोटो व्लॉगिंग करने का एक फ़ायदा हो रहा है, वो ये फ़ायदा है कि जब हम 4K में रिकॉर्डिंग करते हैं ना फ़ोन में, तो फ़ोन हमारा काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लगता है। मतलब 2-3 मिनट में नहीं लेकिन ज़्यादा, जैसे आपको पता है मोटो व्लॉगिंग में घंटों घंटों की रिकॉर्डिंग्स हो जाती हैं, 1 घंटे का सफ़र है तो 1 घंटे की 4K रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तो फ़ोन क्या होता है ना हमारा गर्म होने लगता है। तो सर्दियों में आगे टेम्परेचर जो होता है वो ठंडा होता है, कम टेम्परेचर होता है, तो वो थोड़ा एक प्लस पॉइंट रहता है सर्दियों में मोटो व्लॉगिंग करने का, कि आप जितनी मर्ज़ी लंबी रिकॉर्डिंग कर रहे हो फ़ोन आपका उतना ज़्यादा हीट नहीं होगा जितना आपका गर्मियों में होता है। इस कुत्ते बेचारे को किसी दूसरे कुत्ते ने काट दिया, बेचारे की देखना क्या हालत हो गई है। गाइस ये जीडीगोनी का स्कूल है, तो ये जीडीगोनी का स्कूल से मेरा घर 5 किलोमीटर है मेरे ख्याल से, 5 नहीं तो 6 किलोमीटर होगा, मतलब इतना ही है, 5-6 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ पे, स्कूल भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा अंदर से, आपको दिखाऊँगा कभी अंदर लेके जाऊँगा, पूरा स्कूल दिखाऊँगा अंदर से, ज़बरदस्त स्कूल है। मेरे मामू का लड़का इसी स्कूल में पढ़ता है, गाँव के भी कुछ बच्चे यहीं पे पढ़ते हैं। एक तो मेरे को राइट वाले शोल्डर में पेन हो रही है, तो बाइक का हैंडल पकड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन चलो क्या करना है। एक फ़ायदा हो रहा है गाइस मोटो व्लॉगिंग का, कि जैसे मेरे को घर, जब मैं घर से निकला था तो मैंने अपना रिकॉर्डिंग ऑन किया था, और रिकॉर्डिंग अभी तक चालू है, तो मतलब 13 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, मतलब मेरे को 13 मिनट हो गया है घर से निकले हुए, और उसके बाद में जितना मेरा पूरा सफ़र होगा तो इस रिकॉर्डिंग के टाइम से मुझे पता चल जाएगा जितने मिनट की रिकॉर्डिंग होगी, तो इसका मतलब है कि उतने मिनट का मेरा सफ़र है टोटल। मौसम काफ़ी तगड़ा आज, एकदम मस्त मौसम है, और ऊपर से बुलेट चलाने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वो जैसे वो कहते हैं ना कि तगड़ा सा मौसम हो और बाइक राइड करने का मज़ा आ जाए, तो वही वाला मौसम है। एक सजेशन मैं दूंगा आपको, अगर आप में से कोई सोच रहा ना नई बाइक ख़रीदने के लिए, मोटो व्लॉगिंग करने के लिए, या फिर घूमने के लिए, मतलब सिर्फ घूमने वगैरह के लिए, व्लॉगिंग वगैरह करने के लिए कोई बाइक ख़रीदने का सोच रहा ना, तो क्रूज़र बाइक लेना, रेसिंग बाइक मत लेना। देखो मैं ये किस लिए कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्रूज़र बाइक को आप ज़्यादा तेज़ नहीं चलाओगे, है ना, और इसका जो पिकअप है वो भी उसी हिसाब से रहता है जैसे बुलेट है, ठीक है। अब इसको चला रहे हो और दूसरी तरफ आप किसी रेसिंग बाइक को चला रहे हो, तो आपको पता है कि एक्सीडेंट के चांसेस किस में ज़्यादा है, रेसिंग बाइक में। वो किस लिए, क्योंकि उसका एक तो पिकअप ज़्यादा है और आप उसको ज़्यादा तेज़ चला सकते हो, ठीक है ना, तो ये है थोड़ा सा। बाकी तो आपकी मर्ज़ी, अगर आपको रेसिंग बाइक का शौक है तो आप रेसिंग बाइक ले लो, ये कौन सी है, हंक। अगर रेसिंग बाइक का शौक है तो रेसिंग बाइक ले लो, क्रूज़र बाइक का शौक है तो क्रूज़र बाइक ले लो। वैसे मेरे को रेसिंग बाइक्स भी पसंद है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्पेशली मोटो व्लॉगिंग की और घूमने वगैरह की, तो उसके लिए क्रूज़र बाइक लीजिए, क्योंकि उसको आप ना एक लिमिट में चलाओगे स्पीड में। जैसे अभी मैं 50 की स्पीड पर चला रहा हूँ, मैं जितना भी इस पर सफ़र करूँगा ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 तक चले जाऊँगा,
और हाईवे पे अगर कोई बंदा चला रहा है तो वो जा सकता है खुला हाईवे देख के 100 तक, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि रेसिंग बाइक्स का क्या होता है कि उसकी पिकअप ज़्यादा होती है तो बंदा उसको और ज़्यादा खींचता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और गाइस अगर आप मोटो व्लॉगिंग करते हो ना तो प्लीज़ यार ये सड़क पे अगर आप चला रहे हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं तो थोड़ा ध्यान से चलाइए, क्योंकि आपके क्या होता है कि कट्स वगैरह मारने से जो बूढ़े लोग बेचारे जा रहे होते हैं आगे पीछे, तो अगर तो कोई यंग बंदा है तो वो तो चलो संभाल लेगा कि आप एकदम से उसके सामने से आ गए या ओवरटेक किया, लेकिन अगर कोई बेचारा बूढ़ा बंदा है या कोई लेडीज़ है, ठीक है, आप उसके सामने से एकदम से ओवरटेक कर रहे हो, उसके सामने आ रहे हो, ठीक है ना, तो उसके उसके पास से एकदम से तेज़ निकल रहे हो तो वो थोड़ा बेचारे ऐसे डर जाते हैं कि मतलब अब बाइक उनसे स्कूटी जो भी है कि कंट्रोल होगी कि नहीं होगी। और वही चीज़ आगे ना, अगर आपके पास क्रूज़र बाइक होगी ना तो आप ये सब नहीं करोगे, ये सब करने के चांसेस आपके ज़्यादा तभी बनते हैं जब आपके पास एक रेसिंग बाइक हो। वैसे ये तो आजकल क्रूज़र बाइक्स में भी काफ़ी ज़्यादा पिकअप आने लगी है, लेकिन फिर भी होता तो वही है ना कि जैसे गाड़ी में एक तरफ से डान कार है और दूसरी तरफ एसयूवी कार है, अपनी थार है, स्कॉर्पियो है, फॉर्चूनर है ना, तो थार, फॉर्चूनर, स्कॉर्पियो को आप उस हिसाब से नहीं चलाओगे जिस हिसाब से आप वरना होंडा सिटी को चलाओगे, वर्टस को चलाओगे, क्योंकि वो सेडान कार्स को आप तेज़ चलाओगे क्योंकि आपको लगेगा कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, लेकिन एसयूवीज को आप उस तरह से तेज़ नहीं चलाओगे क्योंकि आपको पता रहेगा कि यार इसको किस तरह से चलाना है। और गाइस आप में से अभी जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि काफ़ी लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं वो बेल आइकन को नहीं दबा रहे, तो वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो। अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप प्लीज़ नीचे लिखिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। कोई भी क्वेरी है तो नीचे लिख सकते हैं, या फिर अगर कोई इंटरेस्टेड है मेरे साथ ट्रिप पे जाने के लिए, कहीं टूर पे जाने के लिए, तो वो मुझे कमेंट कर सकता है और अप्रोच कर सकता है, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं बहुत सारे ट्रिप्स प्लान करने वाला हूँ, हर जगह जाने वाला हूँ, कैंपिंग वगैरह के लिए भी, जंगल सफारी, पहाड़ों पे, हर जगह जाने वाला हूँ। अभी बहुत जल्द एक आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ मैं एक्सप्लोर द जम्मू के नाम से, उसमें अलग अलग एपिसोड्स रहेंगे, जम्मू की जितनी सारी प्लेसेस हैं, हेरिटेज प्लेसेस हैं, टेंपल्स हैं, या जो नेचुरल ब्यूटीज़ हैं पहाड़ों पे, लेक्स, नदियाँ, जो कुछ भी जम्मू की जितनी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो हर एक एक वीडियो में एक एक जगह पे मैं जाऊँगा और वो चीज़ जो है वहाँ का पूरा व्यू, वहाँ की पूरी हिस्ट्री, वहाँ के बारे में नॉलेज, वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन, वहाँ की ब्यूटी, सब कुछ आपको पूरी डिटेल के साथ वीडियो में मिलेगा। बहुत ही जल्द मैं एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, जैसा कि मेरे चैनल का नाम है एक्सप्लोर विद सुशांत, तो एक्सप्लोर करूँगा मैं हर एक जगह को और सीरीज़ वाइज करेंगे। जैसे अभी जम्मू की सीरीज़ सबसे पहले प्लान करूँगा, अपना जम्मू डिस्ट्रिक्ट से शुरू करेंगे और फिर जम्मू डिवीज़न तक जाएंगे, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बाद अपने जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और हैं, सांबा, कठुआ, रामबन, उधमपुर, पुंछ, रजौरी, किश्तवाड़, डोडा, ये जो अपने डिस्ट्रिक्स हैं, रियासी, इन सभी डिस्ट्रिक्स में जाएंगे और पूरा जम्मू डिवीज़न उसके बाद में हम एक्सप्लोर करेंगे। सीरीज़ का नाम रहेगा एक्सप्लोर जम्मू या एक्सप्लोर द जम्मू, या फिर अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो कब कमेंट में बता सकते हैं मुझे। फिर उसके बाद में दूसरी सीरीज़ आएगी, कश्मीर सीरीज़ आएगी, क्योंकि अभी वैसे भी सर्दियों में तो बर्फ़ पड़ जाती है, वहाँ पे इतना ज़्यादा दिखाने लायक कुछ रहेगा नहीं, चलो कोई नहीं और कहीं दिखाएंगे, वैसे बर्फ़ भी तो दिखा सकते हैं, बर्फ़ भी दिखाएंगे, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी है ना गाइस कश्मीर की, वो आपको गर्मियों में ही देखने को मिलेगी। उसके बाद में सीरीज़ आएगी लद्दाख सीरीज़, उसमें हम लेह और करगिल दोनों डिस्ट्रिक्ट्स एक्सप्लोर करेंगे, एक एक चीज़ वहाँ की और वीडियो बनाएंगे। आप लोग बस जल्दी से 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो, जैसे ही 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे तो सीरीज़ की पहली वीडियो आ जाएगी गाइस।
तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को शेयर करो ताकि जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर हो जाए मेरे। जैसे ही 1K सब्सक्राइबर होंगे तो वो सीरीज़ आ जाएगी, जम्मू सीरीज़, उसके बाद में कश्मीर सीरीज़, लद्दाख सीरीज़, फिर दूसरी स्टेट्स में जाएंगे हम। जो भी मूवी लगी होगी, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं थिएटर में पहुंच जाता हूं और उसके बाद में देखता हूं उस टाइम पे कौन सा शो है। जो भी नज़दीकी शो होता तो मैं वो शो देख लेता हूं और उसके बाद में घर आ जाता हूं। ये है अपना बोड़ी तालाब तिलो रोड। अगर आप में से कोई इस रोड पर रहता है बोड़ी से लेके कैनाल रोड तक, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि मेरा घर बोड़ी में है, गुलबुली में है, तालाब तिलो में है, कहाँ पे है। चीज़ और बतानी है आपको, अभी रिकॉर्ड बन गया वैसे, जे एंड के में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आया इस साल अभी तक, सबसे ज़्यादा, पता नहीं 1.5 करोड़, पता नहीं कितना करोड़ टूरिस्ट जो है। मैं अखबार पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले, अभी एग्जैक्टली नंबर तो मेरे को याद नहीं, अगर आप में से किसी ने खबर पढ़ी हो तो बताना मेरे को। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आया, रिकॉर्ड बन गया बेसिकली, रिकॉर्ड हो गया। वहाँ पे लिखा था कि जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने बना दिया रिकॉर्ड कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए। जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे जेएनके टूरिज़्म का पेज फॉलो कर लो, क्योंकि बहुत सही सही वीडियोस और फ़ोटोज़ चढ़ा रहे हैं और वहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है हमारे पूरे जम्मू कश्मीर को, दिखाया जा रहा है सभी टूरिस्ट प्लेसेस को और एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ। तो गाइस पहुँच चुका हूँ मैं थिएटर में। सो गाइस अभी मैं पहुँच गया हूँ मूवी टाइम, अभी दोपहर का टाइम है तो बड़ा ज़्यादा रश नहीं है।